हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो इजो सीरीज का जो कैमरा है, जो कि जिसका मॉडल है CP21, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा आपको, फिर इसके बारे में आपको फीचर्स बारे में बताऊंगा, फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। ये 2 मेगापिक्सल कैमरा है हमारा, ठीक है, और इजो सीरीज का कैमरा है जिसका मॉडल है CP21। ये रिसेंटली हमारी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका टोटल 4 वेरिएंट है। 4 वेरिएंट में हमारा ये फर्स्ट मॉडल आया है हमारा, उसके बारे में ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये जो इसका जो फीचर्स दिया हुआ है, ये बहुत ही इंटेलिजेंस फीचर्स है। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये कैमरा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जैसा आपका ये मॉडल से देख रहे हैं आप, ये हमारा कैमरा है। इस डब्बे के साथ आपका एक हमारा मैनुअल कार्ड आएगा इसका। ये मैनुअल कार्ड पे आप देख करके इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। साथ ही इस कैमरे में आपका एक लैन पोर्ट भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसमें स्पीकर है, इसमें एक माइक है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये आपका साथ में अडाप्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका फीचर्स के बारे में। फ़ीचर्स के बारे में मैं बताऊँ कि ये जो आपका मॉडल्स है, ये आपका 2 मेगापिक्सल है, 10 मीटर इसका आई आर रेंज है इसका, और साथ में इसका बिल्ट इन माइक, बिल्ट इन स्पीकर दिया हुआ है। इसके साथ 256 GB का इसमें कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं आप इसमें, और स्मार्ट डिटेक्शन, स्मार्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर कि कैसे इसको एप्लीकेशन से कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 3 तरीके का ऑप्शन है इसमें, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप जैसे चाहो। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा एप्लीकेशन है, जब आप लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, तब तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खोल करके आएगा। सबसे पहले आपको प्लस का सिंबल पर दिख रहा है, जो बैटरी के जस्ट नीचे वाला सिंबल पे, उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। QR कोड का आपसे ऑप्शन आ जाएगा, या ऑटोमेटिकली मैनुअली अगर आप क्लिक करेंगे, या स्कैन, आपकी मर्जी है। स्कैन करने पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इसका टॉर्च का लाइट जला लीजिएगा आप, इसका आपका कैमरे का लाइट जल जाएगा। जब आप कैमरा का बेस पे जाएंगे तो साथ में आपको QR कोड का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, जो बॉक्स में सबसे ऊपर वाला है। ये खुद ब ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद आपका इस तरह से आपका मेनू आपका ओपन हो जाएगा। QR कोड, इसका डिवाइस का सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ आपको आ जाएगा। फिर आप जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये 60 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। ये देखिए, डिवाइस एडेड सक्सेसफुली, कुछ नहीं करना है आपको, फिर आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। और ये आपका जैसे इंटरफेस खुला, कैमरा शील्डिंग ये आपको इनेबल कर देना है। जब आप इनेबल करेंगे तो सामने आपका ये कैमरा आपका खुल गया। ये देखिए, ये सामने आपका कैमरा खुल गया है। अब आप अपने हिसाब से, मर्जी से, आप इसको अप एंड डाउन घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जितना बार आपको बारी बारी से क्लिक करते जाएंगे, तो ये राउंड 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 पैन या टिल्ट आपके हिसाब से होते चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका स्पीकर का। जब आप ये स्पीकर का है सिंबल है ये आपका है, क्लिक जब करेंगे तो जब आपको कैमरे इन पे क्या बोलेंगे, तब आपका ये कैमरे इन पे आना शुरू हो जाएगा। और जब आपको बोलना है मोबाइल से कैमरे इन पर, ठीक है, तो आपको ये सिंबल जो दिया हुआ है आपका माइक का, उस पर जब क्लिक करेंगे, तो इस तरीका से ये टू वे कम्युनिकेशन आपका साथ में हो गया। साथ में इसका मैंने बताया 256 GB का SD कार्ड कहाँ पे इंसर्ट होगा। ये तो ये कैमरा आपका सामने है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये जो आपका कैमरा है, ठीक है, कैमरा के सामने ये जो आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल बेसमेंट में आपको यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको SD कार्ड का ऑप्शन और ये जो आप जो देख रहे हैं रीसेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 256 GB का SD कार्ड आप लगाएंगे, यहाँ पर रीसेट। जब भी किसी भी तरह का दिक्कत आपको हो कनेक्टिविटी में, तो आप कुछ नहीं कुछ सबसे पहले आपको ये बटन को आपको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद इस पर रेड लाइट आ जाएगी, एक बार ये बूप का आवाज़ देगा, बीप का जब आवाज़ देगा उसके बाद छोड़ देना है आपको, उसके बाद ये ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगा। अब हम मैं बताता हूँ आपको इसका फीचर। ये आपका जो आपका आ गया डिवाइस के बारे में, ठीक है, कैसे ये आपका लोकल स्टोरेज रूल है, आप अपने हिसाब से
इसके वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या शेड्यूल बनाना है, वीडियो क्वालिटी किस हिसाब से करना है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। साथ में आपका अलर्ट टोन, ठीक है, अलार्म लिंकेज वगैरह भी आप बना सकते हैं। जब इनेबल करेंगे तो ये चीज़ें आप इसको अलार्म लिंकेज के हिसाब से कर सकते हैं। प्राइवेसी मोड में क्या होगा आपका कैमरा, ये देखिए प्राइवेसी मोड में क्या करेंगे कि जैसे ही आप कैमरा को प्राइवेसी मोड पे ले जाएंगे, ये देखिए अभी ये सामने आपका कैमरा लगा हुआ है, प्राइवेसी मोड पे जैसे ही आप ले जाएंगे, ये देखिए कैमरा ऑटोमेटिक ये नीचे चला गया, ये बिल्कुल डाउन चला जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो आपका कैमरा है थोड़ा सा और ये डाउन चला जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये सेट हो गया कैमरा। जब इसको आप जब ऑन कर देंगे तो ये कैमरा फिर से दोबारा उठ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल कैमरा डाउन हो गया, ये चला गया आपका प्राइवेसी मोड में, ठीक है। अब आपका वीडियो पासवर्ड, आप अपने पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर करके, जो भी आप चाहते हैं, ये कस्टमाइजेशन है आपका, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर देंगे। साथ में इसमें WDR का फीचर्स है, देखिए ये दोनों डिफरेंसेस है आपका, विदाउट HDR और विथ HDR, दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। आपको कि बस यहाँ पे इनेबल करना है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये इनेबल हो गया आपका, तो आपके सुविधा अनुसार जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे HDR इनेबल कर दीजिएगा, जहाँ पे लाइट ज़्यादा है वहाँ पे HDR डिसेबल रहने दीजिएगा, यह बाई डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, ठीक है। इससे क्वालिटी जो डार्कनेस है वो आपको शॉर्ट आउट हो जाता है। साथ में किसी दूसरे मोबाइल पर आपको चलाना है तो जैसे इजी कैम में यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर साइनअप कीजिए, उसका जो यूज़र और पासवर्ड होगा, जैसे ये शेयर डिवाइस का ऑप्शन है, शेयर डिवाइस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा क्या क्या आपको राइट देना है, ये भी आपके साथ पूछेगा आपसे, सेलेक्ट करना है ऑल, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, और नहीं तो सिर्फ लाइव व्यू देना है तो ये डन करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वो जो बंदा है QR कोड, उसके मोबाइल से जब वो स्कैन करेगा, इस QR कोड को वो स्कैन करेगा, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक उसके मोबाइल में ये चला जाएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, ठीक है। और जो भी आप शेयर करेंगे, या तो ये शेयर QR कोड कर दीजिए उनको, मान लीजिए किसी और थर्ड पार्टी को यूज़ करना है आपको, वो बंदा यहाँ पर नहीं है, तो जो जो आपको राइट देना है जैसा मैंने बताया आपको, ये डन करेंगे और ये सेव QR कोड कर करके दूसरे के नंबर पे जिसके में आपको व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप कर दें, इस QR कोड को स्कैन करेगा, उसके मोबाइल पर ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अगर कोई बंदा रिमोट पर है तब, इन केस अगर आपको ऐड करना है तब आप ये प्लस का सिंबल पे क्लिक करेंगे, प्लस का सिंबल पे वहाँ पे जो मेल आईडी, जैसे इजी कैम में करते थे, मेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऑप्शन आपको आ जाएगा सेट करने का, ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें WLAN का ऑप्शन मैंने दिया, मोर्स में क्या आपका देगा आपको IR LED ऑन ऑटोमेटिक करना है या फिर अपने जरूरत के अनुसार करना है, इमेज रेजोल्यूशन, ठीक है ना, इमेज को आप रेजोल्यूशन 180 डिग्री पे, मान लीजिए कि इस कैमरे को आपको, इस कैमरे को आपको ऐसे लगाना है कहीं पे, या फिर ऐसे लगाना है आपको, तो अपने सुविधा अनुसार कैमरे का एंगल चेंज कर सकते हैं। वो एंगल चेंज कहाँ से होगा, वो कैमरे का एंगल चेंज होगा आपका ये इमेज रोटेशन, इसको जब इनेबल कर देंगे तो पिक्चर उल्टा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टाइम जोन अपना सेट कर लीजिएगा +520, डेट का फॉर्मेट आप सेट कर लीजिएगा। ये था आपका मोर में, रिस्टार्ट डिवाइस का ऑप्शन यहीं पर है, सेम चीज़ें। और इसमें आपका ऑडियो का ऑप्शन है आपका, मैंने जिसे बताया, आप नॉर्मल ऑडियो साउंड अलार्म, जैसे कोई बीप का आवाज़ आ रहा है, हमिंग का आवाज़ आ रहा है, वहाँ पे इंसान नहीं कोई बोल रहा है फिर भी आवाज़ आ रहा है, तो आप ये दे देंगे तो आपको अलर्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कितना ईजी, जो हिसाब से मैं बात करते हैं ना डेसिबल का, वो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए कि नहीं, डिवाइस ऑफलाइन है कि नहीं, हो गया है तब भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद ये आपका पुशअप थंब है, कोई भी किसी तरह भी का अलर्ट मिलेगा आपको तो पुशअप आपके मोबाइल पर आपको आ जाएगा। इसके साथ ही बैक करने के बाद ऑप्शन आपको आता है डिवाइस प्रीव्यू का,
या आपको ऑटो स्नैपशॉट लेना है ऑप्शन, या कस्टम करना है तो आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं, या फिर कोई रैंडमली ले रहा है या सेलेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से। देखिए ये चीज़ें आपको, ये जो आप जो देख रहे हैं अलर्ट आना शुरू भी हो गया, ठीक है। ये आपका है लाइव व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर ऊपर आपको दिख ही रहा है, प्लस लास्ट का 4 डिजिट आपको सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डिटेक्शन में आप थोड़ा सा देख लेंगे आप, मोशन डिटेक्शन है, स्मार्ट ट्रैकिंग मैंने बताया था आपको, तो स्मार्ट ट्रैकिंग जब भी कोई बंदा सामने कैमरे के सामने आएगा तो कैमरा ऑटोमेटिक उसको मूव करेगा। ये देखिए कैमरा घूमने लगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। ह्यूमन डिटेक्शन माफ़ कीजिएगा, ह्यूमन डिटेक्शन आप कर सकते हैं, मोशन डिटेक्शन कर सकते हैं। आपका सेंसिटिविटी कितनी रखनी है आपको, 3, 4, 5, 6, 7 आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसमें आप अपना मोशन का आप अपने हिसाब से इसमें आप क्लियर भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको मोशन नहीं चाहिए। मान लीजिए इस रिया मोशन नहीं चाहिए, इस रिया मोशन चाहिए, तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेव कर दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। ये था सर आपका ओवरऑल मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ में मॉडल्स मैंने क्या क्या इसका फीचर्स था वो मैंने बता ही दिया है आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कैसे इसको कंपटीशन करते हैं खुद भी शेयर, खुद भी देखिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को ईजी हो जाए कैमरे को कंफिगरेशन करने में। थैंक यू।